Hello friends, here I'm Muhammad Farhan and you welcome again at my channel, The Basic English Learners. तो आज की वीडियो के अंदर जिस चीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है? यस, मैंने आपसे वादा किया था पिछली वीडियो में कि हम नाउन को डिस्कस करेंगे, तो आज की वीडियो में हम अपने नाउन को डिस्कस करते हैं कि बेसिकली नाउन क्या होता है, ठीक है? इनसे रिलेटेड सारी चीजें, इसका यूज, इसका फंक्शन, ए टू जेड, इसकी एग्जाम्पल्स, की डेफिनेशन, सारी चीजें आज की जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलते हैं हमारी आउटलाइन की तरफ। तो आज की हमारी आउटलाइन है, टूडेज आउटलाइन, वो क्या है, ठीक है? वो देख लेते हैं कि व्हाट इज नाउन। अब नाउन क्या है, ठीक है? पहला तो हमारा सवाल, इसको समझ जाएंगे कि हमारा नाउन होता क्या है, ठीक है? उसके बाद आ जाएंगे इसकी मिसालों पे, ठीक है? नाउन तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली, अब नाउन की मिसालें बताएं कि हाँ हमें पता चल जाए कि क्लियरली अच्छा ये नाउन है, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं हम अपने फंक्शन ऑफ नाउन पे, नाउन का फंक्शन क्या होता है, ठीक है? उसके बाद जिस चीज को हम डिस्कस करेंगे वो है कि द यूज ऑफ नाउन, नाउन जो है वो इस्तेमाल कहाँ पर होता है, ठीक है? उसके बाद जिस चीज पर आएंगे वो है द टाइप्स ऑफ नाउन। तो फ्रेंड्स, आज हम चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ, वो क्या है? यस, व्हाट इज नाउन, नाउन बेसिकली क्या होता है, इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं फिर आपको मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा कि नाउन क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज के अंदर अगर हम कहें तो वो ये है कि इट इज अ नेमिंग वर्ड, ये नाम होता है किसी भी चीज का। किसी भी चीज की एग्जाम्पल ले लें आप, बेड ये एक चीज का नाम है, असद ये किसी चीज का, सॉरी ये चीज का नहीं, ये किसी पर्सन का नाम है, मीनार ए पाकिस्तान, एफिल टावर, पेरिस, ठीक है? ये चीजों के नाम आ गए, यानी कि किसी भी चीज का हम नाम ले रहे ना तो वो नाउन के अंदर आ जाता है, यानी कि नाउन का बेसिक फंक्शन ही ये होता है कि किसी चीज को जो है वो उसका नाम दे दे, ठीक है? तो उसको नाउन कहते हैं हम। इसकी एक और डेफिनेशन हम इस तरह से कह सकते हैं कि इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये किसी भी जुमले का स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ठीक है? यानी कि उसके बगैर जुमला नामुमकिन होता है, नामुमकिन नहीं है, जुमला बन सकता है। इट्स टेबल, ये टेबल है, या कैसे कि आई राइट भाई, ये लाइट, इसके अंदर नाउन तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी अगर हमें जुमले को एक अच्छा अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसके अंदर हमें एक अच्छा नाउन एड करना होगा, तो उससे क्या हो जाता है, हमारा जुमला एक स्ट्रॉन्गली बन जाता है। इसकी अगली डेफिनेशन हम देख लेते हैं, वो क्या है कि नाउन इज अ वर्ड दैट रिफर द थिंग्स, पर्सन एंड प्लेसेस। मैंने पीछे आपको बता दिया है कि थिंग कौन कौन सी चीजें, बेड, पिलो, इसके अलावा मोबाइल, लैपटॉप, आपकी सिम, मोबाइल फोन, किसी भी कंपनी का हो, सैमसंग का हो, ओप्पो का हो, कोई भी होगा, ये सारे किसके अंदर आ रहे हैं, ये थिंग्स के अंदर आ रहे हैं, पर्सन्स के, मैंने आपको बताऊंगा नेम, जिस तरह से अली, अहमद, असद, अलीजा, आयशा, फातिमा, ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं, ये पर्सन्स के नेम आ जाते हैं। और प्लेस, कोई जगह के एग्जाम्पल ले लें, कराची, मीनार पाकिस्तान, किसी पार्क का नाम ले लें, या किसी जो है वो अच्छे पब्लिक प्लेस का नाम ले लें, तो ये प्लेसेस आ जाती है इसके अंदर, इनके नाम को भी हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। उसके बाद हम कैसे कह सकते हैं कि वी कैन से दैट इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज एक बहुत खास एलिमेंट होता है, इसके बगैर इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत अधूरी है, क्योंकि दुनिया के अंदर हजारों करोड़ों के तादाद में जो चीजें हैं उनके नेम है, बेशक वो फिर एनिमल्स, इंसेक्ट्स आ जाए, ह्यूमन आ जाए, चीजें आ जाए, प्लेसेस आ जाए, यानी कि वो नाम होते हैं, तो उनका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये भी कह सकते हैं कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज नाउन के बगैर अधूरी है, ये पूरी नहीं हो सकती। तो इसी तरह से नाउन बेसिकली आपको समझ आ गया कि नेमिंग वर्ड किसी भी चीज का नाम लेना चाहिए, नाम होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो नाउन के अंदर आ जाता है, नाउन के अंदर उसको कंसीडर करते हैं। तो उसके बाद जिस चीज पर हम आ रहे हैं वो है एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन, ठीक है? मैंने आपको बोला था कि हम इसी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, तो मैं आपको हर कैटेगरी के हिसाब से उनकी एग्जाम्पल बताता चलता हूँ। नंबर वन पर आ जाते हैं पर्सन की कैटेगरी, पर्सन की कैटेगरी के अंदर नीचे नाम पढ़ ले आप, अलीजा, अहमद, अली, आयशा, फरहान, असद, जो है वो असगर, अकबर, किसी भी किस्म का आप नाम ले लें, फातिमा, हैदर, कोई भी नाम ले लें, ठीक है? तो वो सारे किसकी, पर्सन की कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी कि नाउन जो बेसिक एक नाउन वो होता है जो किसी पर्सन का नाम आ जाता है। तो मैंने आपको क्लेरिफाई कर दिया कि पर्सन किस तरह से उन चीजों के नाम आ जाते हैं। अब आते हैं दूसरी चीज क्या है, थिंग्स। थिंग किस तरह से, बुक आ गई, जिसमें पेन आ गया, हमारा टेबल आ गया, चेयर आ गया, एप्पल आ गया, नाइफ आ गया, पिलो आ गया, बेड आ गया, जो है वो सोफा आ गया हमारी, जो है वो इसके अलावा और भी बताएं मुझे, ठीक है? यानी कि टेबल वगैरह जिस तरह से आ जाते हैं हमारे, तो ये सारी चीजें क्या चीजें आ जाती हैं, ये किसके अंदर आ जाती है, थिंग्स के अंदर आ जाती है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है? तो इनको भी हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। इसके बाद प्लेसेस, प्लेसेस की एग्जाम्पल आपके सामने है, कॉलेज, पाकिस्तान, चाइना, मीनार पाकिस्तान, मरी, यूनिवर्सिटी, ये सारी क्या है, प्लेसेस के नाम है। तो ये है एग्जाम्पल्स। अब आपको आई होप के नाउन क्लियरली समझ आ गया होगा कि नाम होना चाहिए किसी भी चीज का, तो ये एग्जाम्पल भी आपके सामने मैंने दे दी है, तो आई होप के आपको नाउन अच्छे से समझ आ गया है। अब जिस चीज पर हम जा रहे हैं वो क्या है, यस, द फंक्शन ऑफ नाउन, नाउन का फंक्शन क्या होता है,
ये क्यों हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसकी नंबर वन चीज ये कि द मेन फंक्शन ऑफ नाउन इज दैट यूज एज अ सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट। ये किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट के तौर पर किस तरह से, अब सब्जेक्ट क्या होता है किसी भी जुमले के अंदर, द डूअर ऑफ एक्शन, जो किसी भी एक्शन को परफॉर्म कर रहा हो, डू कर रहा हो, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अली राइटिंग अ लेटर, अहमद राइटिंग अ लेटर, या अहमद ड्रिंकिंग अ वाटर, अलीजा वॉचिंग टीवी। अब जुमला का सब्जेक्ट के तौर पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज होता है, ठीक है। इसका एक फंक्शन ये हो गया। दूसरा फंक्शन ये है कि इट प्रोवाइड्स द बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्ड। अब कोई पूछ ले कि व्हाट इज दिस, हम कहेंगे दिस इज बैट। कोई पूछ ले व्हाट इज दिस, दिस इज मोबाइल। अब मोबाइल बैट ये क्या कर रहा है, लफ्जों को आइडेंटिफाई कर रहा है इनकी कैटेगरीज के हिसाब से। तो उसकी इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक चीजों को एक बेटर आइडेंटिफिकेशन देता है, ताकि हम उसको अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करके पहचान सके। जो नेक्स्ट चीज है, यस, वो क्या है, इट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस तरह से, जिस तरह से कोई पूछ ले आई राइट, आपको पूछेगा व्हाट हैव यू राइट, आपने क्या लिखा है, हम बताएंगे कि आई हैव आई राइट अ लेटर, आई राइट अ शॉर्ट स्टोरी, आई राइट अ पोएम, मैंने क्या लिखा है, ठीक है। तो अब वर्ब का जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, तो वो भी नाउन हो सकता है, ठीक है। उसका एक ये भी फंक्शन होता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। वो आगे हम अगली स्लाइड में, यानी कि वो अगली स्टेप में समझ जाए कि इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट आपको समझ आ गया कि आई राइट लेटर, ठीक है। आई वॉच, व्हाट हैव यू वॉच, आपने क्या देखा, हम कहते हैं कि आई वॉच अ टीवी, आई वॉच अ मूवी, आई वॉच अ सॉन्ग, मैंने कोई चीज भी ऐसी देखी है। तो इस तरह से यानी कि ये वर्ब का एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज होता है। उसके बाद कैटेगराइज द वर्ड्स, मैंने शुरू में आपको समझाया था कि पार्ट ऑफ स्पीच का काम क्या होता है, लफ्जों को कैटेगराइज करता था, हमने पिछली वीडियो में समझा था। तो सेम एज एक वर्ड को क्या करता है, कैटेगराइज करता है। तो उसके बाद हम जिस चीज पर आ रहे हैं वो क्या है, यस, यूज ऑफ नाउन। अब नाउन क्या क्या चीज किस किस तौर पर यूज हो सकता है, ठीक है। नंबर वन चीज, इट इज यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब किस तरह से, ये सामने आपके एग्जाम्पल है, कराची ये जुमले का सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है, कराची इज अ ब्यूटीफुल सिटी। अब जो स्टार्टिंग में आता है वो जुमले का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट भी यहाँ पर यूज हो रहा है जुमले के अंदर, इसकी एग्जाम्पल आपके सामने है। सेकंड नंबर पर क्या आ जाता है, इट इज यूज एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का किस तरह से, ये एग्जाम्पल आपके सामने, ही राइट अ लेटर, उसने राइट तो किया है लेकिन क्या राइट किया, लेटर राइट किया, लेटर लिखा है। अब कहे कि ही ड्रंक, उसने ड्रंक क्या किया, उसने ट्री ड्रिंक किया है, उसने ड्रंक किया, या उसने वाटर ड्रिंक किया, या उसने वाइन ड्रिंक किया, क्या चीज उसने ड्रिंक किया, यस ही ड्रिंक वाटर, हम बताएंगे ही ड्रिंक वाइन, ही ड्रिंक, जो भी चीज उसने ड्रिंक की होगी, तो उसको हम उसके बेटर आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको चीज बताएंगे। यानी कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जो डायरेक्ट वर्ब के बाद आता है वो उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद क्या होता है कि इट इज यूज्ड एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। अब यहां पर देखें कि ही गेव मनी, पहले इतनी सेंटेंस को समझे कि अब उसने क्या दिया है, मनी दी है, ठीक है, समझ आ गया। वर्ब क्या है इसके अंदर, गेव, मनी क्या है ऑब्जेक्ट, यहां तक समझ आ गया। यहां पर मनी क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। ऐसा क्या यूज हो रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, गेव का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। अब टू हर मदर, अच्छा ठीक है, उसने पैसे दिए तो है लेकिन किसे दिए, टू हर मदर, अपनी अम्मी को दिए, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है उस जुमले के अंदर, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट आ रहा है। एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसके एक और एग्जाम्पल समझिए, ही राइट्स लेटर, उसने खत लिखा, ठीक है, राइट वर्ब, लेटर खत, ऑब्जेक्ट, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। अब अगर वो कह दे कि आई राइट अ लेटर टू माय ब्रदर, मैंने अपने भाई को खत लिखा है, अब जो टू माय ब्रदर होगा ना, तो वो इनडायरेक्ट जुमले के अंदर आ जाएगा, सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कंसीडर होगा, ठीक है। यानी कि इनडायरेक्ट क्या होता है, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो इन दैट सेंस वी कैन से दैट ये एक नंबर वन पे सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर जुमले के अंदर इस्तेमाल होता है जो नाउन होता है। ये तीन मेन यूजेस होते हैं किसी भी नाउन को जुमले के अंदर इस्तेमाल करने के। तो वी आर मूविंग टू अवर लास्ट टॉपिक, दैट टाइप्स ऑफ नाउन। अब आखिरी टॉपिक हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ नाउन, के नाउन के टाइप्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, आज उसको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन पर आ जाता है प्रॉपर नाउन, खास नाम किसी भी चीज का, ठीक है। सेकंड नंबर पर कॉमन नाउन, किसी भी चीज का आम नाम। उसके बाद आ जाता है काउंटेबल नाउन, उसके बाद आता है अनकाउंटेबल, और उसके बाद आ जाता है काउंटलेस। अब थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे दूं, लेकिन हम इस चीज को, इस टॉपिक को, द टाइप्स ऑफ नाउन, अगली जो है वीडियो में ए टू जेड सही से अंडरस्टैंड करेंगे, सही से समझेंगे कि बेसिकली ये क्या होते हैं, इनको क्लेरिफाई करेंगे, पूरी एक इनकी वीडियो बनाएंगे हम। तो प्रॉपर नाउन खास नाम मैंने बता दिया, कॉमन नाउन आम नाम पे आ गया, काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सके, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, काउंटिंग के हिसाब से।
अन्य काउंटेबल वो होते हैं जिनको काउंट ही नहीं कर सकते, जिस तरह से मिलके आप कह सकते हैं एक दूध, दो दूध, तीन दूध, आप कह सकते हैं वन वाटर, टू वाटर, थ्री वाटर, हाँ लीटर्स की अगर कंडीशन में आ जाए तो काउंट कर सकते हैं, ओके लीटर्स काउंटेबल है। लेकिन अगर वैसे जनरली हम कह सकते हैं कि एक दूध है या दो दूध है, नहीं कर सकते उसको, ब्लड को नहीं कर सकते, एनी को नहीं कर सकते, इसको हम अगली वीडियो में अच्छे से समझेंगे। और काउंटलेस वो चीजें होती है जिनको हम काउंट तो कर सकते हैं लेकिन दे आर आउट ऑफ अवर काउंटिंग, जो हमारी काउंटिंग से आउट होते हैं। मिसाल के तौर पर स्टार की एग्जाम्पल ले ले, तारों को हम गिन तो सकते हैं एक दो तीन, लेकिन हमारे क्या होते हैं काउंटिंग से आउट होते हैं, बाहर होते हैं, उनको हम समझ नहीं सकते, काउंट कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे आउट ऑफ काउंटिंग। जब काउंटलेस के अंदर वो चीजें आ जाती हैं जिनको हम काउंट कर तो सके लेकिन वो आउट ऑफ काउंटिंग होती है। इनके बाद आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, उनके बाद आते हैं मटीरियल, उनके बाद कंपाउंड, और लास्ट में आ जाते हैं कलेक्टिव नाउन्स। इनको भी विद एग्जांपल्स एंड देयर डेफिनेशंस हम अच्छी तरह से समझेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।